डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एस एस मैथ्स क्लास। आज हम लोग सर्कम रेडियस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फॉर जेई मेंस एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सर्कम रेडियस के बारे में जानते होंगे, दैट मीन आई जैसे ट्राइंगल आप डायग्राम में देख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इस सर्कल विच इज सर्कम स्क्राइबिंग इट, दैट मीन जो इसके तीनों वर्टेक्स से पास करता है उस सर्कल को हमको सर्कम सर्कल बोलते हैं और इसी के रेडियस को सर्कम रेडियस। सो सी हियर, हमने क्या किया, ओ से बी को और ओ से सी को और ओ से ए को ज्वाइन किया है। सो हियर इन दिस डायग्राम, इस पूरे डायग्राम में ओ ए, ओ बी और ओ सी इक्वल होगा। लेट द रेडियस इज आर, जो हम सर्कम रेडियस है वो आर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं इन ट्राइंगल ओ रदर बी ओ सी, ये ज्यादा बेटर होगा बी ओ सी। अगर आप बी ओ सी ट्राइंगल भी देखेंगे, सो इसमें ओबी और ओसी इक्वल है, दैट मीन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ओडी को, दैट मीन नाउ इफ वी टेक ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ये क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। सो इफ ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, देन वी कैन से कि बीडी जो है वो डीसी के इक्वल हो जाएगा ना, बीडी और डीसी इक्वल हो जाएंगे, सो दैट इज ए बाई टू। क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी में जो साइड बी सी है, वी ऑल्सो नो दैट कि जिस ट्राइंगल में बी सी साइड ये ए होगा, सिमिलरली जो ए बी साइड है वो स्मॉल सी होगा और हम ए सी साइड को बी बोलेंगे, सो दैट इज ए बाई टू। एक बार और देखते हैं, हमें ये भी पता है कि एंगल एट द सेंटर जो है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। सो नाउ अवर एंगल बी ओ सी जो है ये ट्वाइस होगा एंगल बी ए सी, दैट इज टू ए। सो एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा, इज इट ए, एंगल ए ना, सिमिलरली इक्वल टू एंगल सी ओ बी, राइट ना, ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो उस केस में ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। सो अगर ये पूरा 2a है तो ये एंगल a हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, दैट मीन नाउ नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD, अब हम इस OBD राइट एंगल ट्रायंगल में चेक करते हैं। सो व्हाट अबाउट BD डिवाइडेड बाय OB, अगर हम BD को OB से डिवाइड करेंगे, सो विद दिस एंगल ए, ये सामने है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बिकम साइन ए। लेकिन BD क्या है, नाउ BD इस पूरे डायग्राम में क्या है, दैट इज ए बाई टू, और OB क्या है, R है ना। ओके, सो सिमिलरली हम इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, नहीं R की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो नाउ व्हाट R विल बी, R क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर वी शैल गेट R इज इक्वल टू ए बाय 2 साइन ए, राइट। सो सिमिलरली नाउ सिमिलरली क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अभी कौन सा ट्रायंगल यूज किया था, हमने ओ बी सी ट्रायंगल यूज किया है। सो सिमिलरली अगर हम ओ बी ए या ओ ए सी यूज करेंगे, सो हम इजिली प्रूव कर सकते हैं कि आर जो है वो बी अपॉन 2 साइन बी के और सी 2 साइन सी के इक्वल होगा। सो हियर वी हैव ए फॉर्मूला फॉर आर ना, इसलिए कम तो हमारे पास आर का एक फॉर्मूला हो गया, दैट मीन फॉर्मूला फॉर सर्कम रेडियस कि आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी अपॉन 2 साइन बी, और आई कैन से सी अपॉन 2 साइन सी। ओके, सो हियर वी हैव आर सर्कम रेडियस, हमें पास सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला आ गया। आइए हम थोड़ा फर्दर इस एक फॉर्मूले और ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सो वी ऑल्सो नो दैट कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बी सी साइन ए, ऐसे साइन ए की वैल्यू क्या होगी, सो इट मीन नाउ हियर साइन ए हो जाएगा 2 डेल्टा बाय बी सी, राइट। अब जरा आर में पुट करते हैं, सो आर इज ए 2 तो हो गया ये, अब हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 डेल्टा बाय बी सी, सो नाउ इट विल बी ए बी सी अपॉन 2 to the 4 डेल्टा, दैट मीन वी हैव ए फॉर्मूला नाउ फॉर आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा।
सो दैट इज अनदर फॉर्मूला फॉर सर्कम रेडियस. सो ये हमारे सर्कम रेडियस के लिए एक और फॉर्मूला हो गया. सो डियर फ्रेंड्स, फॉर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने सर्कम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए टू फॉर्मुलेज कैलकुलेट किए हैं. एक आर इक्वल टू ए अपॉन टू साइन ए इक्वल टू बी अपॉन टू साइन बी. सिमिलरली नाउ द फॉर्मूला इज आर आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, वे डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, डेल्टा जो हो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा. हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में रखते हुए और पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर आईआईटी एग्जामिनेशन जेई मेंस और अदर कंप्यूटर एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो को प्रिपेयर किया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सिंपली सब्सक्राइब माई चैनल जहाँ पर आपको इस तरह के और बहुत सारे मटेरियल आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का मिलेगा. थैंक यू वेरी मच.